तो आज के टाइम पे YouTube पे बहुत सारे लोग बॉलीवुड के लोफी सॉन्ग या फिर कोई भी अदर सॉन्ग अपलोड करके और YouTube से पैसा कमा रहे हैं, यानी कि उनका चैनल आखिर मोनेटाइज कैसे हुआ है और वो लोग गाने अपलोड करके YouTube से पैसा कैसे कमा रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने YouTube चैनल पे सॉन्ग अपलोड करके और YouTube से पैसा कमाओ, यहाँ पे गाइस मैं आपको दो कंडीशन बताऊंगा। पहली कंडीशन गाइस तो ये होती है कि अगर आप अपने YouTube चैनल पे जैसे ही कोई भी सॉन्ग अपलोड करोगे ना, आपको मिल जाएगा कॉपीराइट क्लेम। क्योंकि गाइस जो लोग अपने YouTube चैनल पे सॉन्ग अपलोड करते हैं ना, उनके वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट होता है, क्योंकि उनकी वीडियो वायरल बहुत जल्दी होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो गाना सुनना पसंद करते हैं, तो इस तरह से जो YouTube पे अपने सॉन्ग अपलोड करते हैं ना, उनकी वीडियो वायरल बहुत जल्दी होती है। अब जब वायरल होंगी ना, तो वॉच टाइम आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा और सब्सक्राइबर तो आपके बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो आपका चैनल जब अंडर रिव्यू में जाएगा ना, तो जैसे ही आपका चैनल अंडर रिव्यू में जाएगा तो आपका चैनल रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि रियूज कंटेंट में आ जाएगा। मतलब आपने कहीं से भी गाने को उठाया है और अपने चैनल पे उसको अपलोड कर दिया है, तो आपका चैनल आ जाएगा भाई रियूज कंटेंट में, एंड आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। एक तो कंडीशन गाइस ये होती है। अब आप ये सोच रहे कि जो लोग अपने यूट्यूब चैनल पर लोफी सॉन्ग अपलोड कर रहे हैं, वो लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं? तो यहाँ पे गाइस सिर्फ एक तरीका होता है जो मैं आपको रियल तरीका बताऊंगा। बस इसकी मदद से आप अपने, अगर आप चाहते हो कि गाने अपलोड करके YouTube से पैसा कमाओ, तो यही तरीका है। तो यहाँ पे गाइस दूसरी जो मैं कंडीशन आपको बताने वाला था वो यही है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपका चैनल अगर पहले से मोनेटाइज है, ठीक है, तो आपको अपने चैनल पर सॉन्ग अपलोड करके पैसा कैसे कमाना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो, तो पहले आपको सॉन्ग अपलोड नहीं करना है, आपको कुछ और वीडियो बनानी है अपनी खुद की। आपको अपनी खुद की वीडियो रेगुलर अपलोड करनी है, उसके बाद आपको अपने चैनल को कर लेना है मोनेटाइज। तो मतलब आपको अपने चैनल पर जो भी वॉइस टाइम लाना होगा ना, आपकी खुद की वीडियो होना चाहिए, आपकी खुद की फेस वैल्यू होना चाहिए या फिर आपकी वॉइस ओवर होना चाहिए, इससे आपको अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेना है, ठीक है। जब आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज, फिर उसके बाद आप अपने चैनल पर सॉन्ग अपलोड कर सकते हो। ऐसे नहीं गाइस, आप अपने चैनल पर सॉन्ग तो अपलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा कॉपीराइट क्लेम। जब आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो आप उससे अर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है वो आप जान लो। आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारे लोग लोफी सॉन्ग बनाकर आजकल अपलोड कर रहे हैं, तो आजकल आपने YouTube पे ऐसे बहुत सारे चैनल देखे होंगे जो लोफी सॉन्ग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अब लोफी सॉन्ग बनाकर वो लोग खुद अपलोड नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी YouTube से निकाल कर, मतलब डाउनलोड करके उसको अपलोड कर रहे हैं। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप YouTube पे जाइए, वहाँ पे लोफी सॉन्ग जो भी आपको चाहिए आपको उसको सर्च करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे गाने निकाल लेना है, मतलब आपको इस तरह से 10-15 गाने निकाल लेना है लोफी सॉन्ग। अब इनको आपको एडिट करना है। कैसे करना है? आपको काइन मास्टर में जाना है, वहाँ पे जाके आपको सॉन्ग को अपलोड कर लेना है। तो आपको जो शुरू का पार्ट होगा गाने का, ठीक है, उसको आपको लेना है, और लास्ट में क्या करना है, आपको सिर्फ 2 मिनट का गाना मतलब रखना है, उसके बाद आपको 2 मिनट का, मतलब 4 मिनट का गाना है तो 2 मिनट का लास्ट का कट कर देना, हटा देना पार्ट को। फिर आपको दूसरा गाना उससे जोड़ देना है। दूसरा गाना कैसे जोड़ना है, मतलब उसको स्टार्टिंग से, मतलब कुछ टाइम तक, मतलब 1 मिनट का उसको कट कर देना है और बीच से उस गाने को जोड़ लेना है। इस तरह से गाइस आपको एक के बाद एक गाना कम से कम 15 गाने जोड़ देना, जो होते हैं माशअप। आपने देखा होगा जब यूट्यूब पे आप जाते होगा, आप यूट्यूब पे जाके माशअप सर्च कर लेना, तो आपको बहुत सारी एक ऐसा माशअप मिल जाएगा जो मतलब 1 घंटे का होगा, आधे घंटे का होगा, और उसके अंदर आपको एक के बाद एक नॉन स्टॉप सॉन्ग लगे दिखेंगे। तो ये तरीका होता है गाइस। और इससे होता क्या है, तो जब आप लोफी सॉन्ग डाउनलोड करके यूट्यूब से और इस तरह से बनाओगे, एक के बाद एक गाना मतलब जोड़ दोगे और उसको अपलोड करो, जो भी आप लोफी सॉन्ग अपलोड करोगे ना, हो सकता है वो नो कॉपीराइट हो, क्योंकि जो बंदा अपने चैनल पे अपलोड किया होगा ना, उसने खुद का लोफी सॉन्ग बना के अपलोड किया होगा और उसको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिला होगा। तो आप अपने चैनल पे माशअप बना के जब अपलोड कर लोगे, ठीक है, मान लो आपका चैनल मोनेटाइज है, उसके बाद आपने एक माशअप बना के 1 घंटे का, आधे घंटे का अपलोड कर दिया, अब क्या होगा ना, मान लो बीच में कभी भी आपको कॉपीराइट क्लेम मिल गया, उसमें आपने 15 गाने यूज़ कर लिया, 15 गाने में आपको एक गाने में बीच में कोई भी गाना आपने ऐड किया होगा, उसमें आ गया कॉपीराइट क्लेम, अब आप क्या करोगे, तो आपकी उस वीडियो पे आ जाएगा भाई येलो डॉलर, यानी कि आप उससे अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस वीडियो के एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वीडियो एडिटिंग का, ठीक है, एडिटिंग का एक एडिटिंग का ऑप्शन दे रखा है YouTube ने। अब इसमें आप जाओगे, इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, उतना पार्ट जितने पे कॉपीराइट क्लेम आया है, जिस सॉन्ग पे कॉपीराइट क्लेम आया है, उसको आपको ट्रिम करके उसको हटा देना है, बाकी आपको कर देना है सेव। तो आपकी जो वीडियो है ना, मतलब नो कॉपीराइट हो जाएगी, यानी कि जिस पे कॉपीराइट क्लेम होगा वो हट जाएगा और आपकी वीडियो पे फिर से ऐड स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उससे अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस यही कंडीशन होती है जिससे आप YouTube से पैसा कमा सकते हो। तो बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस